आज आपके सामने एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करी जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस आईपीओ के पास अब ठंडा पड़ गया है और अब राइट टाइम होता है कंपनी के बिजनेस को समझने का, जब प्राइस के अंदर आप मैसिव गिरावट देख लें और सही लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही हो। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। कंपनी का 5,600 करोड़ का रेवेन्यू है। साउथ की मार्केट, महाराष्ट्र की मार्केट, तमिलनाडु की मार्केट, केरला की मार्केट के अंदर कंपनी के गाड़ियों के शोरूम है। आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं मारुति सुजुकी, होंडा, जैगुअर लैंड रोवर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ऑफ टाटा मोटर्स, एथर एनर्जी, जितनी भी गाड़ियों के कंपनीज हैं उनके शोरूम कंपनी ऑपरेट करती है। आप ये समझिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 1.3% का पैट मार्जिन में कंपनी काम कर रही है। इस साल का पैट प्रॉफिट जो है वो है 76 करोड़ का। मेरे हिसाब से अगले 10 साल के टाइम पीरियड में अगर आप एक नंबर समझे कि कंपनी आज 5600 करोड़ के नंबर से आज 40,000-50,000 करोड़ के रेवेन्यू पे आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी लगती भी है, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ियों की बिक्रियां बढ़ने वाली हैं, कंपनी एक्सपेंशन मोड पे काम कर रही है और ऐसी जगहों पे बैठी हुई है जहां पे एक स्टेट पे कंपनी काम नहीं कर रही। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपके बिजनेस वर्टिकल्स हैं। कंपनी के सिर्फ इंडिया के अंदर आज की डेट में 61 शोरूम्स हैं। तो आज ये समझ सकते हैं कि शोरूम बिजनेस भी कंपनी का बढ़ेगा। सपोज 61 के लेवल से कंपनी 600 के लेवल पे आ जाए तो कंपनी का रेवेन्यू भी तकरीबन 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। जब भी मैं एक बिजनेस के अंदर समझना बैठता हूं कि इस बिजनेस के अंदर स्कोप कितना हो सकता है, तो मेरी विजन हमेशा मिनिमम 10 साल के टाइम पीरियड में रहती है कि ये नंबर पॉसिबिलिटी के अंदर दिखते भी हैं या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कि आप हवाबाजी के अंदर बना दें और शायद कंपनी उस लेवल पे ट्रेड ना कर पाए। लेकिन इस केस के अंदर जहां जहां इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर बढ़ रहा है, गाड़ियों के सर्विस सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वहां पे कंपनी का बिजनेस मॉडल सही वे में यूज हो सकता है। आप ये समझिए, कंपनी ने एक साल के टाइम पीरियड में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, 18% का पैट ग्रोथ दिखाया है। तो मुझे इतना भी पता चल गया कि जीडीपी ग्रोथ से इंडिया की डबल पे कंपनी इस टाइम बिजनेस कर रही है। ये बिजनेस अगर अगले 10 साल तक कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ में काम करती रहे तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग 40,000 करोड़ रुपीज रेवेन्यू इज देयर। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे बिजनेसेस आपको पकड़ने हैं अगले 10 साल के टाइम पीरियड में जहां पे ग्रोथ का मोमेंटम आपका 15% से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही 15% से कम होना शुरू होगा, कंपनी के मल्टीपल्स टूटना शुरू हो जाती हैं। हिस्ट्री पूरी आप पीछे जाके चेक करें, जो कंपनी नंबर्स पे अपना स्लो डाउन दिखा दे उसका शेयर प्राइस नहीं चल सकता। तो यहाँ पे एक की क्राइटेरिया आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे ही कंपनी अपने मिनिमम 15% के थ्रेशोल्ड से नीचे जाना शुरू हो, कंपनी का आप समझ लिए मैसिव ग्रोथ का टाइम पीरियड खत्म हो चुका। इस चीज को चेक करने के लिए आपके पास 2 से 3 क्वार्टर होने चाहिए जहां पे स्लो डाउन दिखे। ऐसे टाइम पीरियड में आप अपनी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि अब मुझे इस स्टॉक से निकलना चाहिए। लेकिन जब तक कंपनी अपना 15% का नवंबर बना के बैठी हुई है, ऐसे स्टॉक्स को बेचना इज बेवकूफी। क्योंकि 1.3% पैट मार्जिन आपके हिसाब से कम नंबर है, लेकिन आप ये सोचिए, ये एक ऐसा काम है कि लोगों ने गाड़ियां मारुति सुजुकी की खरीदनी है तो वो शोरूम से ही खरीद सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे कस्टमर चाहे गूगल पे सर्च करके दुनिया भर की गाड़ियां देख ले, लेकिन खरीदने वो शोरूम में ही आएगा क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। प्लस कंपनी के आसपास जो सेल्स आउटलेट होंगे वहीं पे कंपनी अपना सर्विस भी कराएगी इन गाड़ियों की। जब भी बिजनेस खरीदने से पहले सोचिए कि कैसा बिजनेस है, क्या ग्रोथ का मोमेंटम है और किस लेवल पे कंपनी का बिजनेस जा सकता है, तब शायद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत अगर आएगी तो मैं हूं ना।